जो भी शिव भक्त हों उन्हें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जो शिव भक्त हैं उन्हें माथे पर भस्म लगानी चाहिए, पर काय की भस्म लगानी चाहिए। सूखे हुए बेलपत्र को जलाकर भस्म बना सकते हैं, देसी गैया के गोबर के जो उपले होते हैं उनको जलाकर जो सफ़ेद वाली राख निकलती है उसकी भस्म बना सकते हैं। कहीं शिव का हवन हुआ हो, उस हवन की अग्नि को जब ठंडी हो जाए तो उस राख को भस्म के रूप में माथे पर उपयोग कर सकते हैं। और बेर की, अमलतास की, पीपल की, बड़ की, आम की और बेल की, ये कुछ लकड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी लकड़ियों को जलाकर भस्म बनाई जा सकती है। वैसे कोई मर जाता है तो उसके चिता की जो राख बजती है उसको भस्म बोलते हैं, लेकिन वो भस्म केवल महादेव लगाते हैं, उसे सतोगुणी मनुष्य को अपने माथे पर नहीं लगाना चाहिए। जो अघोरी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो लोग शमशान के भस्म को अपने माथे पर लगाते हैं, उसको तो केवल महादेव ही झेल सकते हैं। कहते हैं एक बार कोई राम जी का भक्त मर गया था, मरते मरते राम 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 बोल रहा था तो महादेव को उससे प्यार हो गया। फिर जब लोगों ने उसको जला दिया तो महादेव उसे उठाकर गले से लगाने लगे, तो जब महादेव ने उसे उठाकर गले से लगाया तो उसकी राख महादेव पर लग गई। तब से कहा जाता है कि जो कोई भगवान का भजन करते हुए मरेगा, महादेव मरने के बाद उसे गले से लगा लेंगे।